नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। हुगली के उत्तरपारा में एक बड़े मैदान को फिर से खेल के मैदान में तब्दील करने की मांग को लेकर सोमवार सुबह घड़ी बाड़ी मत स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर एक मार्च निकाला गया। इस पदयात्रा में पदयात्रा के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी थी। छोटे लड़के बैनर लेकर कई किलोमीटर तक चले और उनके साथ पूर्व विधायक श्रुति नाथ प्रहराज और मोहन बगान के पूर्व खिलाड़ी रंजन मांझी सहित सभी क्षेत्रों के लोग थे। ज्ञात हो कि 2013 से उत्तरपारा घड़ी बाड़ी मैदान खेल संघ ने सरकार द्वारा इस घड़ी बाड़ी मैदान के अधिग्रहण की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था। पहले इस मैदान में कई खेल खेले जाते थे, फुटबॉल क्रिकेट खेला जाता था, बच्चे फुटबॉल का अभ्यास करते थे और व्यस्क भी सुबह से ही खेलते थे। वे यह भी कहते हैं कि अचानक एक दिन एक दुष्ट घेरे ने इस मैदान पर कब्जा कर लिया और इसे पंचिल से घेर लिया। घड़ी बाड़ी मठ खेल संघ की ओर से खेल का मैदान वापस करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी व उत्तरपाड़ा नगर पालिका को प्रतिनियुक्ति दी गई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वे कोर्ट गए। तब से हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पदयात्रा निकाली जाती है।